और थाना कोतवाली क्षेत्र की ही रहने वाली एक महिला ने अपने ही पति पर बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने अपने पति पर वेश्यावृत्ति कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने उसके उत्पीड़न से परेशान होकर अब बिगुल फूंक दिया है और एसपी को शिकायती पत्र देते हुए पति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़ित महिला ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। हाथों में शिकायती पत्र लेकर मौजूद यही वह महिला है जिसने अपने पति पर बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है जिसने अपने ही पति पर वेश्यावृत्ति कराए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने यह भी बताया है कि उसके पति ने उसके साथ धोखाधड़ी करके शादी की है। उसके पति की दो शादियां पहले ही हो चुकी थी जो कि उसको नहीं बताया गया और उसे धोखा देकर शादी कर ली गई। शादी के बाद उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। पीड़ित महिला ने बताया है कि उसके पति का उत्पीड़न इस कदर हावी हो गया है कि पति उसे शराब पिलाने की बात भी कहता है और शराब पिलाने के साथ ही अन्य मर्दों से अभय संबंध बनाने का दबाव भी बना रहा है। वह बीते दो साल से अपने पति की वेश्यावृत्ति का उत्पीड़न झेल रही है, लेकिन जब उसकी हद से यह सब चीज बाहर हो गई तब उसने अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पति के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है और उसने अपने पति के खिलाफ ही अधिकारियों को पत्र दिया है। पति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि उसे हर हाल में न्याय चाहिए और उसके पति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित महिला ने यह भी बताया है कि उसका पति उसके साथ बुरी तरह मारपीट भी करता है। पीड़ित महिला ने और क्या कुछ बताया यह भी सुनिए। पति है, उनकी तीन शादी हुई है, तो दो तो खत्म हो चुकी है और तीसरी मैं हूँ। तो उन्होंने जैसे कि मेरे साथ मारपीट करी, मारपीट करते हैं और अब फिर ये करके फिर मैं मायके बोल रहे वो फिर अपने दोस्तों को बुला के लाते, दारू वारू पिलाते हैं, दारू पिला के मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, करवाते हैं। और व्यवहार क्या करवाते हैं, अभय संबंध बनवाते हैं? हाँ, गलत जैसे गलत ही व्यवहार करते हैं ना, करवाते हैं गलत संबंध। आपके पति आपसे वेश्यावृत्ति कराना चाहते हैं? हाँ, हमसे बोलते वेश्या है, तू रंडी है, और जब ये सब नहीं तैयार होते तो वो फिर मारपीट करते हैं। और जो मेरे पड़ोस का है संजू श्री किशन, यही लोग आते हैं। तो अब कितने दिनों से ये उत्पीड़न आपके साथ करा रहे हैं? मुझे साल दो साल हो गई, तभी से हम झेल रहे हैं। हमने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब जा हद से ज्यादा ऊपर पार हो गया तब हमने सबको बताया। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। क्या अपने पति के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई होना चाहिए उनको और उनको सजा मिलना चाहिए।